हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब कह रहे थे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइज, मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग अभी नहीं बना रही थी। तो अब मैं बनाऊँगी और आपसे मैं अपना बिजी शेड्यूल भी जो है वो डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह कल की वीडियो में, अगर मैंने कल की वीडियो बनाई तो। बहरहाल, अभी आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल के बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सब खैर खैरी के साथ होंगे। तो जनाब, इट्स माय टर्न। अब मुझे जो है वो व्लॉग, सॉरी, वॉइस ओवर करना है। इंट्रो आयशा ने दे दिया होगा और इसके बाद जो है मुझे जाना था सही करने की शॉप पे रोज़ वाटर लेने। इनका रोज़ वाटर और इनकी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से मैं सिर्फ इन्हीं के ही शॉप पर आके ये चीज़ें लेती हूँ। और फिर उसने गाउन लेना था, आयशा ने। गाउन का क्या रीज़न है वो आयशा ख़ुद ही बताएंगी। आयशा के पास ऑलरेडी 4 से 5 गाउन है, लेकिन एक और उन्होंने जो काम शुरू किया है उसकी वजह से उनको एक और गाउन चाहिए था। और फिर पता है क्या करती है, चीज़ लेने के बाद मुझे कहती है आप पहन के देखिएगा, फिर देखूँगी मैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया कि भाई, मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि आप वीडियो बना दो, अच्छा नहीं लगता कि मैं बड़ी हूँ, आप बना सकती हो। लेकिन फिर भी इसके बावजूद उन्होंने कहा जी आप मुझे जो है वो गोलगप्पे खिलाएंगी या फिर चाट खिलाएंगी तो मैं वीडियो बनाऊँगी। तो भाई, मुझे मानना पड़ा कहना उसका। तो हम लोग जो है वो चाट की शॉप पर आ गए और मैंने उसको कहा कि गोलगप्पे मत खाएँ, आप चाट खा लें, क्योंकि ऑलरेडी उसके थ्रॉट में पेन थी और वो मेडिसिन ले रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने जो लिमका मंगवाई अपने लिए और साथ में मेरी वीडियो बना रही है ये, या पता नहीं चाट की बना रही है, ये इनकी हरकतें देखें आप। और फिर उसके बाद चाट की वीडियो बनाने के बाद मैंने खामोशी से इनकी इस तरह की वीडियो बनाई और पूछ रही है क्या हुआ है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। और फिर बदला लेने के लिए आयशा ने मेरे साथ भी यही हरकत करने की कोशिश की, जबकि मुझे पता चल चुका था उसके मोबाइल से कि ये मेरी ही वीडियो इस तरह की लाजमी बनाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि हॉरर मुझे कर दिया। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि भाई अब घर चलने की तैयारी करते हैं और इस मोबाइल के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी कि ये मोबाइल कहां से आया है। सो गाइस, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फेवरेट मोमेंट और कोई रिलेटेड टू एनी फनी वीडियो या कुछ भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।